अभिनव जी, अब 55 दिन हो गए हैं आप लोगों को सेवा करते हुए, तो आपके मन में इस सेवा का भाव कैसे जागा? क्यों आपने सोचा कि आपको इस तरह से सेवा करनी चाहिए? पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये सेवा का भाव हमें ऐसे जागा, हरिद्वार धर्म नगरी हमारी, यहाँ श्रद्धालु घूमने आते हैं, तो जब हम निकले रोड पे हमें देखा कि जो लॉकडाउन में यात्री फंसे हुए हैं उन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फिर मैंने और मेरी टीम के सदस्य नेहा सक्सेना जो हमारी गायत्री माँ सेवा के अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने बैठ के बात करी कि इन लोगों की खाने भोजन की व्यवस्था कराई जाए। आपने ये भोजन सेवा कहाँ कहाँ पर दी होगी? राम कोठी, तुलसी चौक, भाटिया भवन, रेलवे स्टेशन, देवपुरा, यहाँ यहाँ हमने भोजन वितरण करवाया। अब तक हमने 450+ परिवारों को कच्चा राशन मुहैया कराया है, जिसमें से हमने 1500 से 2000 सैनिटाइजर वितरित कराए। अभी आपने बताया कि आपने सैनिटाइजर और मास्क भी वितरित करे हैं, तो इन सब के लिए आपके पास फंड बिल की क्या व्यवस्था रही? ये हमने टीम मेंबर से कंट्रीब्यूट करके सबने जो जो जिससे हुआ सबने अपने तरफ से इसमें योगदान करा है, ये सबके योगदान से ही हुआ है। और पके हुए भोजन की व्यवस्था किस तरह से हो रही है, कौन बना रहा है ये सारा खाना फिर आपका? ये बाबूराम छोले वाले जी हैं, उनके सुपुत्र शेखर अंकल जी, राजेश भैया जी, उनके यहाँ से मतलब पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है। हम पूरी टीम के साथ वो लोग खाना बनाते हैं घर पे ही यहीं, और पैकिंग के लिए सारी पूरी टीम लगी हुई है। सुनीता भाभी जी हैं हमारी, विमला भाभी जी हैं, ये सारे मेंबर लग के हम पैकिंग करते हैं। वो शेखर जी और राजेश जी निस्वार्थ हमारे लिए भोजन पकाते हैं। और भोजन बनाने में और वितरित करने में आपके द्वारा क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? हमारे द्वारा पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। भोजन बनाते हुए हम पूरी साफ सफाई करते हैं, भोजन बांटते हुए हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, ग्लव्स, मास्क सब कुछ लेके हम जाते हैं, तब हम अपना भोजन वितरित करते हैं। वहाँ पर भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग हमारी चलती है, लगभग एक हाथ का फासला लेके हम लोगों को भोजन वितरित करते हैं। आपका आगे का क्या विचार है? कल रात हम लोगों ने एक मीटिंग करी थी, उसमें हम लोगों का ये डिसाइड हुआ है कि हम निःशुल्क सेवा कर रहे थे, निःस्वार्थ सेवा कर रहे थे 55 दिनों से, और जितना हमसे हो पाया, जितनी हमारी सामर्थ्य थी हमने 55 दिन तक किया। अब आगे का हम लोगों ने समापन का सोचा है, अगर किसी से सहयोग मिलता है, क्योंकि अब तक हमने किसी से भी सहयोग नहीं लिया है, ये सब हमारी टीम मेंबर्स ने ही किया है, अगर आगे किसी से सहयोग मिलता है तो हम इसे दोबारा से चालू करें। मैं ट्रस्ट की तरफ से सभी टीम मेंबरों का धन्यवाद करती हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करती हूँ अभिनव कौशिक के माता पिता मंजू कौशिक जी और उनके पिता अमरीश कौशिक जी का, जिनके सहयोग से ये हो पाया है। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हम लोग ये काम नहीं कर पाते। मैं इन लोगों का सबका धन्यवाद करती हूँ, जीवन जी, दीपशिका जी, हेमा जी, अर्चना जी, अमरीश जी और शिखर जी आदि सभी टीम मेंबरों का धन्यवाद करती हूँ।